के? सच कह रहा है तू? हाँ बाबू, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं अपने कानों से ना सुनता, अपनी आंखों से ना देखता, तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। यहां से सूरज भैया भर भर के ताने मार रहे थे, और वहां से भाभी, भाभी भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी बाबू, कोई भी उन्नीस ना पड़ा। खैर बाबू, मैं जरा बाहर जाता हूँ, थोड़ा काम है। हाँ सुन लिया ना संतोष, के कह रहा था विक्रम, वो हंस रही है? उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसलिए कि आज सूरज ने जो कुछ भी किया ना, वो उसके स्वभाव में ना है। जानते हैं क्यों? घर का झगड़ा रास्ते पर आ गया, दोनों के मन में बस अब नफरत ही बची है। नहीं जी नहीं, अजी दोनों के मन में ना भर भर के प्रेम उमड़ रहा है, और दोनों ने डर लग रहा है कहीं उनका प्रेम जबान पर ना आ जाए, सामने वाले ने ना दिख जाए, इसलिए अपने बनावटी शब्दों में ना अपनी भावनाओं को छिपाना चाहे। और वो कहा करे है ना कि प्रेम ने कितना भी दबाओ, एक ना एक दिन सामने आ जावे। जब जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ जावे है ना, तो समझ लेना चाहे कि बरसात होने वाली है। आई बड़ी पंडिता है ये ठाकुर जी। छोटू अभी तक सोया क्यों नहीं? कल स्कूल नहीं जाना क्या? जा जाके सो जा, सुबह जल्दी उठना है। सूरज भैया वो कल स्कूल नहीं है। कल स्कूल नहीं है? छुट्टी है क्या? सूरज भैया कल वो पीटीएम मीटिंग है, वो होती है ना विद्यार्थी के माता पिता या फिर परिवार में कोई बड़ा जाता है, प्री बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। अब मेरे भैया भाभी साहब तो गाँव में है, हर साल आप और संध्या भाभी साहब जाते हो, इस साल कोई बात नहीं, तू जाके सो जा, मैं आ जाऊंगा। और संध्या भाभी साहब? मैंने कहा ना छोटू, मैं आ जाऊंगा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा, कल मैं आ जाऊंगा, जा सो जा जाके। सूरज भैया मैं तो अब भी चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे स्कूल में फिर से एक साथ आए, पर पता नहीं है हो पाएगा कि नहीं, सूरज मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। बंद करूंगा रा पदम सिंह जी, ते मारा राम जी, सूरज भैया ने थारे को मना किया और तू मान गया, बड़ा ही कमजोर चेला है अपनी संध्या भाभी साहब का। पर भाभो मैं क्या कर सकता हूं? भावो, मैंने सूरज भैया के फोन से ना संध्या भाभी साहब को मैसेज करता हूँ, अब उन्हें लगेगा कि सूरज भैया ने मैसेज किया, और वैसे भी संध्या भाभी साहब ना सूरज भैया की कभी बात टालती नहीं है। बढ़िया है, चल जल्दी से टक टक कर दे। कल 11 बजे छोटू के स्कूल आ जाना, उसका रिजल्ट आने वाला है, कल पीटीएम मीटिंग है। भावो भेज दिया। हो गया, भावो डिलीट भी कर दिया। क्यों? मैसेज निकाल दिया। भावो
कल सूरज भी और संध्या भाभी सब दोनों मेरे स्कूल आएंगे। हो सकता है उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाए। लाती सूरज जावे को बटे सुई ले जावे को। You know, क्या हुआ? सूरज जी का मैसेज आया। I was thinking, they तुम शायद कुछ सोच रही थी। मेरे ख्याल से तुम ये सोच रही थी कि सूरज जी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्या मैसेज किया है। हाँ मैं सोच रही थी, लेकिन अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी जरूरी। सूरज जी ने कल छोटू के स्कूल बुलाया मुझे, बोर्ड का रिजल्ट आया है। इसका मतलब वो अभी भी तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। आई होप तुम कल जा रही हो। पता नहीं जाकिर, उन्होंने तो मुझे इसलिए छोड़ा ना क्योंकि उनके हिसाब से मैं रिश्तों को अहमियत नहीं देती, लेकिन आप वो मुझे छोटू के स्कूल बुला रहे, समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। ये जानने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, लेकिन इस एक मैसेज से यह तय हो गया कि तुम दोनों के बीच अभी पूरी तरह से बात खत्म नहीं हुई। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। राना ये था तो फोन नहीं कर सकते थे, इसे मैसेज क्यों किया? ठाकुर जी करे, संध्या बेनी भी आज छोटू के स्कूल पहुंच जाए, पता नहीं उसका जवाब आया होगा कि नहीं। चल आज दाढ़ी मना बनाए। दाढ़ी ना करो? पर क्यों भाबो? आज तो ना शनिवार है ना गुरुवार है, फिर कड़क बार है। मना बनाए जी बाबू। छोटू पूरी तैयारी है ना, कोई घबराहट कोई परेशानी तो ना है ना? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं,
मुझे भरोसा है, हर बार की तरह परीक्षा में इस बार भी थारा परिणाम बहुत अच्छा आएगा। छोटू जरा गाजर अठी ने लेकर आ। जी बाबू। ये लीजिए बाबू। अभी तक संध्या भाभी का कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं वो आएंगी भी या नहीं। हाँ विकी, जरूर आवेगी, अच्छी तरीके से जानूंगी मैं उसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।